नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 97 21 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियां, यूपी कांस्टेबल आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप लोगों के लिए बनवाया है बेहतरीन स्टडी मटेरियल, जिसमें प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ आपको एग्जाम, जब आपके एग्जाम नजदीक आ जाए और आपको संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ जाती है ना, कि एक दो दिन बचता है तो ये होता है कि हम पूरा सिलेबस एक बार फिर से देख लें। मन में की ये जिज्ञासा होती है, उसको ध्यान में रखते हुए वन लाइनर जो है, मतलब क्वेश्चन आंसर तैयार कराया गया है, ताकि आप 2 दिन के भीतर ही आप संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन कर लें। हमने 5,500 जो है क्वेश्चन की ये पूरी सीरीज तैयार कराई। नोट्स अलग है, ये सीरीज अलग है ना, लेकिन आपको नोट्स के साथ ही इसको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग इसे प्राप्त करिए, अपनी सफलता के लिए एक बार जरूर इसका अवलोकन करिए, क्योंकि हमें हमारी एक्सपर्ट टीम पे जो यकीन था, आज तक हमारी एक्सपर्ट टीम, क्योंकि मैंने इसमें धन भी खर्च किया है, समय भी खर्च किया है, और आप लोगों के विश्वास के आगे बढ़ते हुए जो चीजें हमें 2021 टीजीटी पीजीटी में देखने के लिए मिली, बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस रहा। टेट 2021 में हमें देखने के लिए मिली, और जाहिर सी बात है कि आपके जो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का हुआ था पेपर, उसमें भी अच्छी खासी सफलता हमें प्राप्त हुई, और आपके अन्य जो एग्जाम हुए उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा हमारे स्टडी मटेरियल का। इसलिए आप सभी लोगों से हम यह कहना चाहते हैं कि आप लोग इसे प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। बेहद कम दाम में आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है भैया। आप लोग इसको, कोई भी फाउंडेशन नहीं है, लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहो मत लो, है ना? चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही, उसके पहले सुन लीजिए। उसके पहले, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो मेरे भाई बहनों, ठीक है? और बेल आइकन को, घंटिया को बजा करके टंटना दिया करो, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो और आप उस वीडियो को शेयर कर सके। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये आपका नैतिक कर्तव्य है, और आप लोगों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करना, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है। मेरा दायित्व इसलिए है, उसकी एक वजह है, क्योंकि आप लोगों से मेरा आत्मिक लगाव है, मन का लगाव है। इसकी वजह से मैं हमेशा से ही ये प्रयत्न करता हूं कि अगर मेरी वजह से किसी भी मेरे भाई बहन का थोड़ा सा भी भला हो रहा है, थोड़ा सा भी, रंच मात्र का भी अगर भला हो रहा है, तो मैं इससे पीछे नहीं हटता। वजह यही है, आत्मिकता। और मुझे कुछ प्राप्त तो थोड़ी ना होता है, लेकिन आत्मिकता ऐसी है, आत्मीयता आप लोगों से इस तरीके की है कि हम आप लोगों से बिना जुड़े, बिना बात किए, बिना रहे, बिना वीडियो उपलब्ध कराए, हम रह नहीं पाते हैं, ठीक है ना? तो आप सभी लोग इस चैनल के साथ अधिकाधिक संख्या में जुड़ें और भरपूर तरीके से हमारा समर्थन करें, हम आपका समर्थन के लिए सदैव तत्पर हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज थोड़ी बातें ज्यादा हो गई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम आपसे, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे हमेशा ही टू दी पॉइंट आपको जानकारियां दी जाती हैं। चलिए जानकारियों की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो तमाम विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि क्या इसमें सर परसेंटाइल निर्धारित किया जाएगा। आज शासन स्तर पर इस मुद्दे को लेकर के वार्ता हुई है। शासन स्तर पर जो इस मुद्दे को लेकर के वार्ता हुई, इसमें परसेंटाइल का ही मुद्दा है। और सबसे बड़ी चीज ये है, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय से आज मुलाकात हुई, हमारी टीम ने मुलाकात किया और उनसे ये जानकारी लेने का प्रयत्न किया गया कि आगामी समय में जो लेखपाल की भर्ती परीक्षा होने चल रही है, क्या उसमें परसेंटाइल को लेकर के कोई शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे विद्यार्थी, या उन सभी विद्यार्थियों को अवसर दिया जाएगा जिन विद्यार्थियों ने लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन किए हैं। इस पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि
कि यदि हमें जो है आवेदन, अगर हमें इन्हें एग्जाम में शामिल ही नहीं कराना होता तो हम विज्ञापन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर देते, ठीक है, और हम कोई कानूनी दांव पेच नहीं चाहते, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं चाहते। इसलिए जो विद्यार्थी, जहां तक भाई हमारा निर्णय है, जो विद्यार्थी अप्लाई किए हैं वो विद्यार्थी एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है ना, वो विद्यार्थी एग्जाम में बैठेंगे। अब शासन की क्या मंशा होती है, शासन की क्या चीजें होती हैं, वो तो एक दो दिन बाद में ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन शासन की भी मंशा जो है वो आपके विपरीत नहीं होने देंगे, क्योंकि हम हैं, आप निश्चिंत रहें इसके लिए। शासन के अभी जो निर्णय होगा वो एक दो दिन में आपको सबसे पहले, क्योंकि आज तक शासन का जो भी निर्णय हुआ है, चाहे कैबिनेट मीटिंग की जो भी निर्णय हुई है, जो बातें, जो तथ्य वहां पे एससीआरटी से लेकर के आपके लखनऊ सचिवालय तक चलते हैं, वो सारी बातें आपको पहले ही बता दी जाती हैं, और वही चीजें बाद में आपको समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य यूट्यूब चैनलों के माध्यम से वो देखने के लिए मिलने लगती हैं। सबसे पहले सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही आपको ये सारी बातें बताता है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी मुद्दे को लेकर के बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि कोई भी जो एंटी स्टूडेंट मुद्दा है, समझ रहे ना, वो हमारी नजरों से बच नहीं पाता। और परसेंटाइल के लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई करते रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने अभी ऐसी कोई मंशा नहीं बनाई है कि इन विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। और ये मतलब जो है अपना परीक्षा कैलेंडर भी दिखा रहे हैं, उसमें पेट का वो चीज है, लेकिन शासन स्तर पर जो चर्चाएं हैं, जो बातें चल रही हैं, कि अब शासन पेट कराना भी नहीं चाहता है, ठीक है, अब पेट कराना भी नहीं चाहता है। और हो सकता है आगामी भविष्य में, आगामी समय में आप लोगों को पेट समाप्त होता हुआ दिखे, ठीक है। तो आप लोग लेखपाल का यदि फॉर्म भरे हैं तो आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए, और लेखपाल भर्ती के लिए यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आप नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके एल टी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, बहुत ही बेहतरीन सूचना प्राप्त हो रही है। वो सूचना यही है कि आपका विज्ञापन आप जो है पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है, और जैसे ही शासन की हरी झंडी मिलती है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वजह यही है, विज्ञापन किसी भी दिन आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है। एल टी ग्रेड कला विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग के लिए जो चीजें हैं वो सारी चीजें अब स्पष्ट होने लगी हैं, और बहुत जल्दी ही 2-4 दिन में इन सारी चीजों को लेकर के जो है वो निर्णय हो जाएंगे, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी के लिए भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज मुख्यमंत्री महोदय ने माध्यमिक विद्यालयों के जो डीओएस वगैरह है उनका एक लाइव मीटिंग किया, और उसमें उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो भी तदर्थों के जो पद हैं, जो चीजें हैं, वो सारी चीजें आप डिक्लेयर करिए, ताकि जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी हो और युवाओं को रोजगार दिया जा सके। तो आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाएं, लग जाएं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ भी मीटिंग हुई, लेकिन आज समयाभाव होने के कारण मुख्यमंत्री महोदय ने उतना टाइम नहीं दिया। कल इनका प्रेजेंटेशन फिर होगा, फिर आपके एडेड जूनियर और साथ ही साथ 12460, उसके साथ ही साथ आपको जो मतलब ये नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक स्तर की, ये सारी चीजें, सारे मामले डिक्लेयर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप लोगों को प्रथम सूचना देता है, और सत्य तथ्य परक और सार्थक सूचनाएं देता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।